डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग राजस्थान में कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, उसके तहत हम लोगों ने इससे पूर्व राजस्थान में कार्मिकों के प्रशिक्षण के संबंध में कुछ मोटा मोटी जानकारी दी थी। और आज हम क्या है, राजस्थान का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान भी है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं SCM रिपा। एच का मतलब हरीश, सी का मतलब चंद्र, एम का मतलब माथुर, हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जो है हरीश चंद्र माथुर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आधुनिक लोक सेवाएं हैं भारत में, ये ब्रिटिश कालीन शासन की देन हैं, लेकिन राजपूताना की रियासतें ब्रिटिश शासन के दौरान भी राजशाही व्यवस्थाओं पर आधारित थी, न कि ब्रिटिश प्रांतों की भांति सुसंगठित लोक प्रशासन के ढांचे से युक्त थी। आज़ादी के बाद में राजस्थान का एकीकरण हुआ और 2 अक्टूबर 1952 से क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ और राज्य प्रशासनिक सेवा का गठन होने के पश्चात यह अनुभव किया जाने लगा कि राज्य में जो उच्च लोक सेवक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए एक प्रशासनिक संस्थान होना चाहिए। इसी बीच राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है, असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यानी इससे पहले क्या है, यूपी में क्या है, ट्रेनिंग होती थी। फिर इस वजह से क्या हुआ, 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में क्या है, OTS यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई। फिर उसके बाद में 1961 में राज्य लेखा सेवा स्कूल को क्या है, OTS में क्या है, मिला दिया गया। और 1963 में क्या है, ये जो स्कूल है जयपुर के एक निजी भवन में क्या स्थानांतरित कर दिया गया। और 1966 में इसका स्वयं का भवन तैयार हो गया और 1969 में इस स्कूल का नाम, OTS का नाम क्या कर दिया, राजस्थान के प्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी व सांसद थे हरीश चंद्र माथुर, उनके नाम पर क्या कर दिया गया, इसका नाम हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान अर्थात HCM रिपा कर दिया गया। सन 1979 में राज्य का अधीनस्थ लेखा सेवा प्रशिक्षण स्कूल का इस संस्थान में क्या है, फिर बाद में विलय कर दिया गया। और उदयपुर स्थित सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थान जो है उसको भी क्या है 1982 में क्या है दिसंबर में इसमें विलय कर दिया गया। इसका मुख्यालय क्या है, जयपुर में है, मुख्य प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र है। और इसके अलावा कुछ इसके क्या है क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, जैसे एक तो उदयपुर में है, कोटा में है, जोधपुर में है और बीकानेर में। बीकानेर में 1983 से ये क्या है काम कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है SCM रिपा की। इसके पश्चात हम इसके संगठन के बारे में देखते हैं। इस संस्थान का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो महानिदेशक कहलाता है और ये क्या है भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। और महानिदेशक ही इस संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण, निर्देशन, पाठ्यक्रमों के संचालन, सरकार से कोऑर्डिनेशन तथा अन्य जो कार्यकारी गतिविधियां हैं उसके लिए क्या है महानिदेशक जिम्मेदार होता है। रिपा जो है SCM रिपा का महानिदेशक कई प्रकार की भूमिकाओं का क्या है निर्वहन करता है। जैसे यह राज्य के सचिवालय के कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव भी होता है। प्रशिक्षण प्रबंध अध्ययन केंद्र का ये डायरेक्टर होता है। विभागीय सेवाओं की परीक्षाओं का क्या है ये रजिस्ट्रार तथा कपार्ट जो है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपार्ट का ये भी क्या है स्थानीय महानिदेशक होता है। तो इस प्रकार से क्या है जो SCM रिपा का महानिदेशक है उसकी कई अन्य भूमिकाएं हैं। इसके अलावा ये पदेन क्या है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का भी इसका ये पद होता है। महानिदेशक की सहायता के लिए क्या है जयपुर का जो संस्थान है उसमें एक अतिरिक्त निदेशक प्रशासन कार्यरत है और एक अतिरिक्त निदेशक उदयपुर केंद्र में भी क्या है स्थापित है। शेष क्षेत्रीय केंद्रों में क्या है डिप्टी डायरेक्टर है, यानी उदयपुर में क्या है अतिरिक्त एडिशनल डायरेक्टर है और जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वहाँ पर क्या है
उपनिदेशक कार्यरत हैं। जयपुर स्थित संस्थान में जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रबंधक, फैकल्टी मेंबर और अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की क्या पोस्टें हैं। और ये संस्थान मुख्यतः शैक्षणिक संस्थापन, लेखा, कंप्यूटर, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद भंडार और प्रबंध आदि क्या है, शाखाओं में क्या है, ये विभक्त है। ये संस्थान मुख्यतः मतलब बहुत सारी परियोजनाएं और कार्यक्रम केंद्र या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सहयोग से क्या है संचालित करता रहता है। इसमें कई प्रकार के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। उन कार्यक्रमों का स्टाफ तथा उद्देश्य संस्थान के कार्यों से क्या कुछ अलग किंतु सहयोगी प्रकृति का ये होता है। और रिपा के प्रांगण में कई सहयोगी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रबंध अध्ययन केंद्र है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र है, सुशासन केंद्र है, महिला संसाधन केंद्र है, व्यापार व निवेश केंद्र हैं। इस प्रकार से क्या है कुछ इसमें क्या है सहयोगी कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। संस्थान अपने प्रबुद्ध संकाय सदस्यों की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अनुसंधान संगोष्ठियाँ, कार्यक्रम संपन्न करता है। और इसमें 7 प्रोफेसर हैं संस्थान में, लोक प्रशासन, व्यवहारिक विज्ञान, पर्यावरण, नगरीय विकास, कंप्यूटर मैनेजमेंट तथा इकोनॉमिक्स के हैं ये 7 प्रोफेसर। और 4 सहआचार्य हैं समाजशास्त्र, कंप्यूटर, वित्तीय प्रबंधन और ग्रामीण विकास के। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। और एक क्या है अनुसंधान अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से क्या 7 प्रोफेसर हैं, कुछ क्या है एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इस प्रकार से इसमें क्या है ये इसका एक संगठनात्मक ढांचा है। इसके पश्चात हम इसके जो क्षेत्रीय केंद्र हैं उनके संगठनों के बारे में भी देखते हैं कि जैसे क्षेत्रीय केंद्र जो है वो महानिदेशक के अंडर में ही है। ये जयपुर का जो ये क्षेत्रीय केंद्र के बारे में बताया गया है। और इसमें क्या है जो उदयपुर है उसमें क्या अतिरिक्त निदेशक है, जबकि बीकानेर में क्या है जॉइंट डायरेक्टर है, और जोधपुर में भी जॉइंट डायरेक्टर है, कोटा में भी क्या है जॉइंट डायरेक्टर है। और उनके अधीन क्या है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है लेखा। और जो उदयपुर है उसमें क्या है डिप्टी डायरेक्टर प्रशासन, जॉइंट डायरेक्टर है एक और अकाउंटेंट है और जूनियर अकाउंटेंट है। एसोसिएट प्रोफेसर लोक प्रशासन है, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वित्त प्रबंध हैं और सहायक आचार्य समाजशास्त्र हैं। और सहायक निदेशक लेखा, अनुसंधान अधिकारी हैं, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है, पुस्तकालय सहायक है और मैनेजर है। इस प्रकार से क्या है क्षेत्रीय केंद्रों का ये संगठनात्मक ढांचा है। अब हम थोड़ा सा इसके उद्देश्यों को देखते हैं। सिम रिपा की स्थापना क्यों की गई, क्या टारगेट हैं, क्यों ये बनाया गया। इसका एक तो उद्देश्य ये है कि ट्रेनिंग है, रिसर्च है और जो प्रबंधकीय परामर्श हैं उसके द्वारा क्या है राज्य की जो प्रशासनिक कार्य क्षमता है उसमें क्या है वृद्धि लाना है। मतलब ये इन 3 गतिविधियों के माध्यम से क्या है कार्य क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास करता है राज्य की प्रशासनिक, प्रशिक्षण के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से और परामर्श के माध्यम से। दूसरा इसका उद्देश्य है राज्य के अन्य विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं को क्या है ये नेतृत्व और परामर्श प्रदान करता है। यानी और भी दूसरे ट्रेनिंग स्कूल होते हैं राज्य में, अलग अलग हैं, अलग अलग सेवाओं के अलग अलग हैं, तो उनको भी क्या है ये लीडिंग देता है, परामर्श देता है। ट्रेनिंग के माध्यम से राज्य के कर्मचारी हैं उनके दृष्टिकोण, उनका व्यवहार, उनके काम की शैली उसमें परिवर्तन लाता है, ताकि क्या है वो जनता की अपेक्षाओं को क्या है अनुरूप अपने आप को ढाल सके। और अगला उद्देश्य है जो अनुसंधान हैं उनके निष्कर्ष हैं और जो प्रतिभागी हैं, संभागी है, उनके जो सुझाव हैं उसके द्वारा राज्य सरकार को क्या है जो उनकी सरकार की नीतियां और कार्यक्रम है उसके संबंध में क्या है परामर्श देता है। और अगला जो उद्देश्य है इसका कि ट्रेनिंग के द्वारा सरकारी, अर्ध सरकारी और जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके कर्मियों का क्या है बौद्धिक विकास और कार्यकुशलता में भी क्या है ये वृद्धि करता है। अब हम देखते हैं SCM रिपा के कार्य। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। और इसकी कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता जो है उसकी गूंज जो है पूरे देश में सुनाई देती है। और यह संस्थान प्रशिक्षण व शोध कार्यक्रमों का आयोजन करता है, प्रशासन तंत्र को प्रभावी बनाता है,
राज्य सरकार को परामर्श देता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में क्या कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। तो इसके मोटे तौर पर हम कार्यों को देख लेते हैं थोड़ा सा कि राज्य प्रशासनिक राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, लेखा सेवा और अन्य जो सबऑर्डिनेट सर्विस है उनके जो आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उसका क्या है, ये रूपरेखा बनाता है और उसको फिर क्या करवाता है, यानी RSRTS का जो एग्ज़ाम है उसके बाद में जो ये चयनित होते हैं व्यक्ति या कैंडिडेट उनकी ट्रेनिंग क्या है SCM RIPA के द्वारा करवाई जाती है। इसके अलावा क्या है, जो IAS हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी हैं, उनको भी क्या है स्टेट का के जो कैडर मिलता है तो उनको भी क्या है प्रशासनिक पाठ्यक्रमों की ये ट्रेनिंग करवाता है। और अलग अलग डिपार्टमेंटों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी क्या है सेवाकालीन प्रशिक्षण मतलब प्रदान करता है ये। और प्रशिक्षण से संबंधित नीति है, कोई कार्यक्रम है, विषय वस्तु है, सामग्री है, उनका निर्माण भी करता है और सरकार को क्या है ये परामर्श देता है। और कुशलता व प्रभावशीलता लाने के लिए प्रशासन में इसके लिए क्या है ये अनेक प्रकार के नवाचार जो हैं इनोवेशन है नई नई टेक्निक और चीज़ों के क्या है ये प्रयोग में लाने का सुझाव देता है, उनका परीक्षण करता है। और इसके अलावा ये विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित शोध परियोजनाओं व कार्यक्रमों का क्या है संचालन करता है और उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनको क्या है फिर वेरीफाई करने का प्रयास करता है। इसके अलावा ये लोक प्रशासन से संबंधित जो विषय हैं उन पर क्या सेमिनार आयोजित करवाता है, संगोष्ठियां करवाता है, वर्कशॉप यानी कार्यशाला का आयोजन ये करवाता है। ग्रामीण विकास, पॉपुलेशन का कंट्रोल करना, विकास प्रशासन और प्रबंधकीय क्षमता और सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का क्या है ये आयोजन या उसका मूल्यांकन करता है ये। मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो है उसका भी ये संचालन करता है। राज्य के विभिन्न संवर्गों विभागों के अधिकारियों के अलावा भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जो भी प्रायोजित प्रशिक्षण कार्य में हैं मतलब केंद्र सरकार का जो कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग है उसके द्वारा कोई भी प्रायोजित कार्यक्रम है उसको भी क्या है ये आयोजित करवाता है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संगोष्ठियों, वर्कशॉप यानी कार्यशाला और राज्य की नीति व कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो बाधक आए हैं विषय उन पर भी क्या है ये चर्चाएँ आयोजित करवाता है। सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी सुधार लाने हेतु यह क्या नवीन विचार और अवधारणाएँ भी प्रतिपादित करता है। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को नवीन प्रशिक्षण तकनीकों को विकसित करना, उनका प्रसार व प्रशिक्षण प्रदान करना ये सब कार्य भी ये करता है। तो इस प्रकार से क्या है SCM RIPA निम्न कार्यों को क्या है संपादित करता है। इसके पश्चात हम अगले क्लास में क्या है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे।